नमस्कार दोस्तों, हम सफर टेक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक पर ईमेल आईडी को रिमूव कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मतलब आप जब ईमेल आईडी रिमूव करते हैं तो आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, मतलब ईमेल आईडी रिमूव नहीं होती है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, आप ईमेल आईडी को फेसबुक से रिमूव कैसे करें। जैसा कि हम फेसबुक और एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने फेसबुक ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद फाइनली दोस्तों हमारा इस तरह ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद जब आप थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे हम थ्री लाइन पर हम क्लिक कर देंगे ऊपर साइड, थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही हम आएंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक। उस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक ऑप्शन सेटिंग्स, ठीक। तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह मतलब इधर देखने को मिलता है अकाउंट सेंटर, ठीक। इधर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इधर आपको अकाउंट सेंटर पर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों हम इधर अकाउंट सेंटर पर इधर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद इधर हमारा प्रोफाइल आ चुका है। इधर दोस्तों हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि इधर आपको देखने को मिल रहा होगा अकाउंट सेटिंग, ठीक। अकाउंट सेटिंग के बाद आपको इधर देखने को मिल जाता है और मतलब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, और नीचे साइड आपको पर्सनल डिटेल्स, ठीक। आपको पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने पर्सनल डिटेल्स पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद इधर हमारा मतलब इधर आपको देखने को मिलता है कनेक्ट, ठीक, कनेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो आपको इधर ऊपर साइड क्लिक कर देना, नीचे आपका मतलब आपकी जन्मदिन, इधर मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक। ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना कनेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जैसे दोस्तों हमारी ईमेल आईडी रही है, इधर हमारा मोबाइल नंबर रहा है, ठीक। तो आपको ईमेल आईडी पर आपको क्लिक कर देना, क्योंकि ये आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे हटा सकते हो ईमेल आईडी को। तो आपको इधर मतलब इधर आपको ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हमको दोस्तों ईमेल आईडी पर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारी ईमेल आईडी रही है, ठीक। तो जिस आपको इधर नीचे साइड ऑप्शन देखो मिलता है डिलीट ईमेल, ठीक। डिलीट ईमेल पर मैंने क्लिक किया है, आपके सामने मैं आपको ईमेल डिलीट करके बता देता हूं, ठीक। आप इधर से चेंज भी कर सकते हो, ईमेल को डिलीट कर सकते हो, जैसा कि मैं रिमूव करके बताऊंगा। तो इधर आप देख सकते हो, इधर मैंने डिलीट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया है, इधर आपको डिलीट देखने को मिला। डिलीट पर मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया है, जैसा कि दोस्तों आपको इधर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है, आपको भी अपना फेसबुक अकाउंट का इधर पासवर्ड डालना है, मैंने डाल दिया। डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे दोस्तों मैंने कंटिन्यू किया है, आपको इस तरह दोस्तों फाइनली पेज खुल जाएगा और इधर आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, ठीक। ईमेल आईडी पर आपको एक कोड देखने को मिलेगा, ठीक। जैसा कि मैं ईमेल आईडी निकाल देता हूं, इधर से मैंने कट किया है, और इधर ईमेल आईडी कहां पर है, इधर मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन जैसे ही मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आप इधर इस तरह करोगे तो आपको फेसबुक सिक्योरिटी कोड देखने को मिलेगा, ठीक। जैसा कि इधर आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा फेसबुक सिक्योरिटी कोड आ चुका है, ठीक। इधर मैं फिल कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपके सामने में फिल करके दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इधर फेसबुक सिक्योरिटी कोड इधर फिल कर दिया, हमारी जीमेल आईडी पर आया था तो वही मैंने इधर फिल किया। फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे दोस्तों मैंने कंटिन्यू पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, इधर दोस्तों हमारा सीधा इस तरह पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आप इधर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ यू डिलीटेड योर प्रोवाइज ईमेल, ठीक। आपका इस तरह मतलब आपकी डिलीट ईमेल आईडी हो चुकी है, आपको क्लोज कर दिया, इधर नंबर आ चुका है, हमारी आपके सामने ईमेल इधर हट चुकी है, ठीक। कनेक्ट लिखा था, इधर ईमेल आईडी हमारी मतलब हट चुकी है। इधर हमारी जीमेल पर एक मैसेज भी जा चुका होगा, ठीक। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, फिर से मैं इस तरह करूंगा, आप इधर थोड़ा टाइम बाद इधर मतलब मैसेज भी आ जाएगा कि आपका रिमूव हो चुका है, ठीक। ईमेल आईडी आपकी फेसबुक से रिमूव हो चुकी है। तो आपको इस तरह आप जीमेल आईडी को इस तरह आप फेसबुक से रिमूव कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।